भाई प्लीज बैठ जाइए, आप जो सामने खड़े हैं भाई बैठ जाइए प्लीज। ये गौ माता है पार तारणी, कोई देख लियो आजमाके, बहुत पुराने लेख धरे, देखो इतिहास उठा के, बात करूंगा बुजुर्गों को तो पता है गौ माता है पार तारणी, देख लियो आज मां के, बहुत पुराने लेख धरे, देखो इतिहास उठा के। नौजवानों को अगर मेरी लाइन पसंद आई तो ताली बजा के बताना। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये बूढ़े आदमी अपना नो नहीं क्या करें, किसी गरीब आदमी पर विपता पड़ रही हो नुकेंगे करे काट दो गऊ गार में धस रही है, कोई भी मिसाल झूठी नहीं पाओगी। सजनों एक समय का जिक्र, राजा दलीप अपने रथ पर सवार अपने रस्ते रस्ते जा रहे और रास्ते में वशिष्ठ मुनि की नंदिनी गऊ गार में धसी हुई है और देख के उसको अपने रास्ते मुंह फेर कर चल पड़ते। वो नंदिनी आवाज देती है, क्यों राजन आज मेरी सेवा से विमुख होके मन गार में धसी हुई छोड़ कर जा है, जा मैं तेरे को श्राप देती हूं जब तक मेरी सेवा नहीं करेगा तेरे औलाद को नहीं हो। सजनों 12 साल उस नंदिनी की पूछड़ पकड़ के वशिष्ठ मुनि के आश्रम पे वो राजा दलीप उसकी सेवा करते हैं और फिर क्या हुआ है? खोदिया जी गौ को मां क्यों कहते हैं इस वजन पे प्रसन्न होकर के 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। रतन जाखोदिया जी का बार बार धन्यवाद, भाई ने
20 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद सजनों। राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा हुए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई। ऋषि मुनियों को बुलाया, हे महाराज संतान नहीं, हे राजन हम एक यज्ञ करते हैं। और ऐसे आपने सुना होगा कि यज्ञ में खीर खुवाई तीनों रानियों को, और फिर श्री रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका जन्म हुआ। लेकिन आप ये देखना वो खीर किस चीज की बनी थी, कैसे दशरथ के संतान कैसे हुई, क्या कहा क्या बता बोला। और ये गुरुजी महाराज पारसनाथ जी 100 रुपए से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते, बार बार नमस्कार। रतन जाखोदिया जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। श्रृंगी ऋषि ने वेद विधि से, श्रृंगी ऋषि ने वेद विधि से भाई सारी क्रिया करी सही, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया ना दशरथ के कभी रही। तीनों रानी बुला पास में अवन कुंड से खीर दई, वो गौ माता को शीश झुका के नमस्कार कर चली गई। फिर दशरथ के संतान हुई, वरदान दिया हर साके, दर्शन खातर सभी देवता फूल बगा के आके। हरि सिंह बिलावणिया मेरे पिता श्रीमान बुजुर्ग 500 रुपए से इस गौ माता के भजन पे। अर्जुन जी हरिचंद बिजारणिया मेरे पिता श्रीमान बुजुर्ग 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है। और बिल्लड़ भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। श्री चंद कुलाड़ जी मास्टर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। रामपाल शेखावत जी, जवान सिंह रैणी 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। नाम भूल जाएगा। और ये 100 रुपए आंधे का प्याण लगा था, मेरा भाई आंधे खाना खुआ था, हर मखा नाम बता देने वाला बिना नाम, जोरदार तालियां सभी के नाम से। और मेरे बड़े भाई सुमेर शेखावत पिड़ोद, ये तो जाखोद है, इशार तक बेरा लाग जाना कि इसका छोटा भाई आ रहा है, साथ में कलाकार हैं, ओड़ा तक भी पहुंचेगा। 500 रुपए से मान सम्मान करते भाई सुमेर शेखावत का, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और गौशाला के ऊपर धाने एक बार जोरदार तालियां, पप्पू शेखावत जी, पप्पू भगत जी, सॉरी पप्पू भगत जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरी माता बहनों, ये तीसरी कली आ गई उस्तादो मीठे। देखिए आज कलयुग में नु कहेंगे बजरंगबली जैसा पर्चा नहीं है कलयुग के अंदर। मोदनवास जी का डेरा छोटी कनोट, बाबा मदननाथ जी गुरु जी 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार चरणों में प्रणाम सच्चा प्रणाम। नु कहेंगे बजरंगबली जैसा पर्चा नहीं, अरे
एक बात और बता दूं, काली ना मानो तो जितने आदमी धामा बजाव हैं माता बहने ज्यादा जाती और इन धामा तभी गणी और धाम बन रहे थे, दो तीन तो पकड़े गए ओड़ा गणा लारा पड़ा रहे, को रामपाल का जाबड़ी को सिरसाला का को आसाराम का। लेकिन इस कानून का बार बार धन्यवाद करेंगे जिसने सच्चाई का आईना दिखाया समाज को। अरे दाम तो ये है, गो माता एक चलता फिरता आयुर्वेद है, जिसके घर में गो माता है और उसका जो सही उपयोग करता है उसके दूध का, उसके मूत्र का, उसके गोबर का, उसके घी का, सजनों गारंटी आपके इस छोटे भाई की, आपके बेटे की, उसके घर में बीमारी नहीं आएगी जो गो का सही उपयोग करेगा। एक जलती फिरती औषधि है गो माता, नुकेंगे बजरंग बली जैसा पर्चा नहीं, उस जैसा ब्रह्मचारी नहीं, उस जैसा बलवान नहीं। क्यों हुए बजरंग बली ऐसे, कारण क्या था? जब बजरंग बली हनुमान माँ अंजना के गर्भ में थे उसका खान पान कैसा था? और फिर नुकेंगे परशुराम, परशुराम जैसा योद्धा नहीं, ताकतवर नहीं, वो ऐसा क्यों था? एक बात और कहेंगे, कृष्ण जैसा योगी नहीं, कृष्ण जी ऐसे क्यों थे? और बुजुर्ग एक बात कहेंगे कि वीर विक्रमाजीत जैसा न्याय नहीं, वो ऐसे क्यों थे? सब कुछ गो माता की देन थी, इसलिए गो को माता कहते हैं। नंबर तीन पे ऐसे क्यों थे ये लोग, क्या कहा वाला? सबरस तज, सबरस तज पाई, सबरस तज पिया दूध गौ का, जब अंजना के हनुमान होया, गौ माता का दूध पीने से परशुराम बलवान होया। कृष्ण जी ने गौ चराई, वो योगी पुरुष महान होया, ज्ञान होया, सो गौओं का दान होया, सो गौओं का दान होया, जब उठा यगर चाके भूप विक्रमा जीत पड़ा, वो राज तिलक करवा के, मेरी चौथी कली। और इस कली में आप सबको प्रमाण मिल जाएगा कि गौ को मां क्यों कहते हैं, इसके दूध में क्या है, इसकी लस्सी में क्या है, इसके मक्खन मलाई में क्या है, इसके गोबर में क्या है, इसके मूत्र में क्या है। जोगेंद्र जी दगड़ोली मेरे भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, जोगेंद्र दगड़ोली जी का बार बार धन्यवाद। और एक सच्चाई बता दूं, जब दादा लोग बैठे हो ना पंडित जी महाराज, मनछो में तो नहीं आ जाओगे। कोई दादा लोग बैठा हो पंडित जी महाराज, मनछो में तो नहीं आऊंगा। एक सच्चाई बताऊंगा, जैसे हमारा देश आजाद हुआ
सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर साधु सिंह शेखावत जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, श्रीमान जी का बार बार धन्यवाद। सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर जो देश को चलाते हैं, जो सरकार को चलना सिखाते हैं, सबसे ज्यादा दादा होया करते पंडित जी महाराज ब्राह्मण होया करते। वो क्यों? जैसी पीवे दूधि वैसी रहे बुद्धि, और जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। गोमाता का दूध पिया करते, गोमाता का घी खाया करते, शिक्षा दिया करते, शिक्षा पाया करते और देश को चलाया करते। और जी ये पंडित जी महाराज जब तो मारणा गया बैठ के खेता में सांझ गए अंडाणी भूजी खाने लगे ना, सबके में रड़म पड़म हो गया। सजनो नंबर 4 पे किस किस चीज में के है? भाई साहब कोई बात ना, आ जाओ आप। प्रधान जी आ जाओ, देख के सुधे सुधे बाड़क उठा दिए काम का, ये क्या बात करेंगे? आ जाओ प्रधान जी, प्रधान जी आ जाओ, शाबाश। हाँ जी प्रधान जी आ जाओ जी, धन्यवाद। ये किमें कौन कहो आपने? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे आपको। कैसे नंबर 4 रास्ता दो। खो आखिर से खो आखिर से बल बुद्धि हो पड़े काम चतुराई का सब ते नाराज का हो से मक्खन ओरे मराई का गोमूत्र से रे रोग बाग जा बच्चे पुरुष लुगाई का जगी चाट के लासी पीले तो कौन बसरे दवाई का धर्मानंद कविताई का धर्मानंद कविताई का डंग देख नारे जाके जगत सिंह ने शिक्षा ले ली गुरु की पहल बजा के। बोलो श्री गौ माता की। भाई भजन अच्छा लगा तो।